मिड कैप इंडेक्स में रिसेंटली 5% के आसपास का गिरावट देखा गया और यही एक टाइम होता है जब हम रिटेल इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड के जरिए ये जो छोटा फॉल आया है इसमें थोड़ा सा अमाउंट लमसम करने का। लमसम का परसेंटेज कितना होगा, क्या आप एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ही निवेश करेंगे या फिर दूसरा कोई फंड को चूज करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे इस लेवल को और हर गिरावट में कैसे आप लोगों को मनी को मैनेज करते हुए निवेश करते रहना है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ आप जानते हैं जो मैं खुद करता हूं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो मैंने भी आज निप्पॉन इंडिया मिड कैप निफ्टी 150 इंडेक्स फंड, जहां पे मैंने मेरा चाइल्ड का एडुकेशन के लिए गोल आप लोगों के साथ ही लाइव वीडियो में बनाया था, वो वीडियो का लिंक मैं आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वही फंड में अभी मैं और आज 6,000 रुपीज एड किया हूं एज अ लमसम, एज अ टोकन मनी हमने रखा है। और भी जब गिरावट होगा मैं लेवल आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा, तब मैं खुद भी वहां पे निवेश करूंगा ताकि नीचे आते हुए मार्केट में हम ज्यादा एक्यूमुलेट कर सके। अब लॉजिक में आ जाते हैं, देखिए करना कैसे है। देखिए निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 5% के आसपास गिरावट है और स्मॉल कैप इंडेक्स में तो उसी के तर्ज पे गिरावट है। 5% करेक्ट होना उतना बड़ी बात नहीं है अगर आप कंसिडर करेंगे कि लास्ट वन ईयर जितना बुल रन हुआ उसको अगर देखेंगे, लेकिन इसीलिए आप लोगों के हाथ में जो फुल अमाउंट है उसको पूरा एक साथ लमसम मत कीजिए। जैसे कि आप लोगों के पास अगर 1,00,000 रुपए निवेश योग्य लमसम के लिए आप लोगों ने उसको साइड करके रखे हैं तो उसमें से ये 5% गिरावट में आप 10% ऑफ दैट मनी आप वहां पे निवेश कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या होता है। 10% अब कीजिए अभी निवेश, थोड़ा सा वेट कीजिए, देख लीजिए क्या होता है, उसके बाद और भी अगर गिरावट आए तो और 20% आप डालें, ऐसा प्लान कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टर है, रिस्क लेने का क्षमता आप लोगों के पास है तो ये जो 5% गिरावट आए इसमें ही आप 20 या 25% अपना जो एलोकेशन है लमसम में वो डाल दीजिए। 1,00,000 रुपए अगर है तो 25,000 रुपए डाल दीजिए अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो ये आप लोगों का खुद का रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ये परसेंटेज डिसाइड होता है। लेकिन जो बिग फंड्स है, जो लार्ज कैप है, जो निफ्टी मेन इंडेक्स है, उसमें उतना ज्यादा गिरावट नहीं आया है, आप नहीं बोल सकते कि निफ्टी 5% 10% गिर चुका है, बिल्कुल भी नहीं। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट आप कर सकते हैं, अभी मिड कैप में थोड़ा सा गिरावट आए तो उसको एक्यूमुलेट कीजिए, जब इंडेक्स नॉन परफॉर्मिंग रहेगा तब इंडेक्स में निवेश करना चाहिए। और हमेशा याद रखिए कि बॉटम में अगर आप ऐसा गिरते हुए मार्केट में एवरेज आउट करते हैं तो आप बॉटम कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे, आपका लास्ट जो पैसा रहेगा वो लगाने के बाद भी मार्केट 10% नीचे आएगा, आ सकता है। तो वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज आपके पास है तो ही इक्विटी मार्केट में आइए और तो ही आप लोग SIP के जरिए निवेश कीजिए या लमसम के जरिए निवेश करने के लिए सोचिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो इंडेक्स फंड में मैं निवेश किया हूं ये मैं वीकली या मंथली बेसिस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि परसेंटेज वाइज कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो आप लोग भी फंड के साथ कंपेयर कर सकते हैं कैसे परफॉर्मेंस आप लोगों का भी हो रहा है, तो उससे एक अंदाजा रह सकता है क्योंकि ये इंडेक्स फंड है तो ये एक बेंचमार्क जैसा काम कर सकता है। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। अब आ जाते हैं कि आप लोगों को एक नया कोई स्टॉक्स लेना है या एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ही ऐसा लमसम करना है। देखिए मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा रूट है कि आप लोगों के पास अगर एग्जिस्टिंग एक पोर्टफोलियो है और वो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो वहां पे तो आपको हर गिरावट में आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ही आप लमसम कीजिए। ये लमसम के लिए स्पेशल कोई फंड ढूंढने के लिए मत जाइए। मैं देखता हूं बहुत लोग पूछते हैं व्हाट इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर लमसम, व्हाट इज द बेस्ट म्यूचुअल फॉर SIP, ये कोई बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर लमसम एक अलग कैटेगरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ही, क्योंकि पहले ही आप अच्छा फंड चूज करेंगे उसके बाद एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ही हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करते जाइए। जैसे कि देखिए इस मिड कैप एंड स्मॉल कैप की गिरावट में मैं मेरा जो मिड कैप वाला
फंड है उसमें मैं ऐड किया। तो ऐसा आपको कैटेगरी वाइज देखना है, जिस कैटेगरी में जब फॉल आता है उसके बारे में आप वहां पे तब लमसम का थोड़ा सा परसेंटेज सोच सकते हैं। और पूरा एक साथ निवेश मत कीजिए, अपना रिस्क वाइज जैसे मैंने बोला है वैसे आप देख सकते हैं, जो मैंने किया है वही आपके साथ शेयर किया हूं। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्लीज ऑन कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।